पाक पर लगानी होगी लगाम, दुनिया के लिए खतरा है पाक का एटमी प्रोग्राम, दुनिया का दरोगा बनने वालों को करने होंगे इंतजाम। अगर भारत ने परमाणु बम बना लिया है तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे, चाहे हमें घास खाकर ही गुजारा क्यों ना करना पड़े, लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएंगे। ये वो बयान है जो करीब 40 साल पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिया था। शायद उनके इसी बयान पर आज तक पाकिस्तान के शासनकर्ता अमल भी करते आए हैं। विकास की कसौटी पर आज पाकिस्तान को देखें तो वहाँ के लोगों की जिंदगी कमोवेश घास खाने जैसे मुहावरों के इर्द गिर्द ही है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम आज दुनिया के लिए खतरे के तौर पर जरूर देखा जा रहा है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से दुनिया भर के देश चिंतित हैं। इसी चिंता को अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी जाहिर किया है। अखबार ने लिखा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रुकवाना दुनिया की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर पहली प्रायोरिटी बताई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास करीब 120 परमाणु हथियार हैं। वो अगले 10 साल में अमेरिका और रूस के बाद तीसरी बड़ी परमाणु ताकत हो सकता है। चीन, फ्रांस और ब्रिटेन भी उसके पीछे रह जाएंगे। अखबार ने पाकिस्तान न्यूक्लियर नाइटमेयर हेडिंग से लिखे एडिटोरियल में कहा है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार किसी भी दूसरे देश की तुलना में तेजी से बढ़ रहे हैं, ये ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं। इसकी परमाणु मिसाइलों की रेंज भारत और उससे आगे भी है, और जिस देश में सेना कभी भी तख्ता पलट कर सकती हो, जिस देश में आतंकवादियों का राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों में सीधा हस्तक्षेप हो, जो देश आतंकियों की ऐशगाह के तौर पर जाना जाता हो, उस देश की बेलगाम तरीके से बढ़ती परमाणु ताकत पर दुनिया का चिंतित होना लाजमी है। इसे रोकने के लिए दुनिया के देशों को एकजुट होकर आगे आना ही होगा। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब, फॉलो एंड लाइक।